सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। तो मैं आज वर्ग 3 की हिंदी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और इसमें पाठ 14 मीठी वाणी। मीठी वाणी का अर्थ होता है मीठे वचन, यानी कि हम जो मुंह से बोलते हैं उसको हम कहते हैं मीठी वाणी, यानी कि मीठी बोली। इससे पहले हम लोग पाठ पढ़े थे परोपकार, जिसमें हम आपको परोपकार करने के बारे में बताए थे कि दूसरों को भलाई करना चाहिए, दूसरों को सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो आप सब क्या तैयार है पढ़ने के लिए? तो आप सब क्या करो, अपनी अपनी पुस्तक निकालो और नोटबुक भी निकालो, जिसमें जो मैं बीच बीच में अगर कोई शब्दों का अर्थ बताऊंगी तो उसको आप लिखते जाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वाणी बोली संकट मुसीबत घड़ी समय सुखद सुखी। और मीठी वाणी यानी कि मीठी बोली, अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक पिता है और उसके 4 पुत्र हैं और एक जो है व्यापारी है, तो उसी के इर्द गिर्द जो एक कहानी है वो घूम रही है। तो वही पाठ हम पढ़ेंगे, किस तरह से मीठे वचन बोलने वाले को क्या मिला और कड़वा वचन बोलने वाले को क्या मिला। तो बातचीत से ही हम दूसरे के दिल में बैठ सकते हैं, अपनी बोली से ही, वाणी के कारण ही। तो आपको वार मात में दिया हुआ गया है कि किसी से मदद लेने के लिए सबसे जरूरी क्या है। अगर आपको किसी से सहायता लेना है, मदद लेना है, तो सबसे जरूरी उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने वाणी को मीठा बनाए, अपनी बोली को मीठा बनाए। और मीठा बोल कर अगर आप किसी से कुछ मांगोगे तो आपको अवश्य मिलेगा। इस कहानी में हम वो देखेंगे मीठी बोलने का क्या फल मिलता है। तो मीठी बोलने का, मीठा वाणी बोलने का अच्छा फल मिलता है। मीठा बोलकर हम क्या क्या कर सकते हैं? तो मीठा बोल करके हम दूसरे के दिल को जीत सकते हैं। तो अभी हम कहानी पढ़ेंगे, उसमें एक पिता है जो यात्रा से लौट रहा है, उसके खाने पीने के सारी चीजें जो है, सामान जो है, सामान का अर्थ होता है चीजें का अर्थ होता है सामान, वो समाप्त हो चुका है। और पिता और पुत्र एक पेड़ के किनारे बैठे हुए हैं। तभी रास्ते से एक व्यापारी जा रहा था, उसके गाड़ी में बहुत सारे खाने पीने की चीजें लदी हुई थी। तो पिता और पुत्र भूख से हाल उनका बेहाल था, यानी कि उनका हाल जो था वो खराब हो रहा था, भूख के मारे बेचैन हो रहे थे। तो ये पेड़ के नीचे रुक करके बैठे हुए थे। तभी देखा, पिता देखा कि रास्ता है उसके पेड़ के बगल से, उस रास्ते पे एक बैलगाड़ी जो है, एक व्यापारी जो है वो अपने बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान लाद करके, खाने पीने का सामान लाद करके लिए जा रहा है। और वो सामान जो है वो कहाँ लेकर के जा रहा है? वो मेले में बेचने जा रहा था। पिता ने पुत्रों से कहा, तो पिता ने देखा तो पिता ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ उस व्यापारी से तुम कुछ सहायता मांग लो, शायद वो हमें खाने के लिए कुछ चीजें, कुछ सामान दे दे। पहले पुत्र ने आवाज लगाई, अरे वो व्यापारी इतना माल लिए जा रहा है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। व्यापारी का जो वो जो किसान वो जो आदमी था, उसके पुत्र, बड़ा पुत्र बोला कि वो व्यापारी तुम कहाँ जा रही हो इतना सामान लाद करके, मुझे भी कुछ दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। अब व्यापारी बोला कि बड़ा मूर्ख लड़का है, दूसरों के से के सामान मांगते भी इसे नहीं आता, तो दूसरा का सामान, दूसरों से सामान मांगने भी इसे नहीं आता, वो उस समय भी मीठी वाणी का प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी कि मीठे वचन नहीं बोल करके हमसे कोई जो सामान मांग रहा है वो मीठा वचन बोल करके नहीं मांग रहा है। कठोर वाणी यानी कि कठोर यानी कि कड़वे वचन, कठोर वाणी यानी कि कड़वे वचन के कारण व्यापारी, वाणी का मतलब बोल, या कठोर यानी कि कड़वा के कारण व्यापारी ने उससे सूखा लड्डू देकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। तभी दूसरा पुत्र व्यापारी के पास आया और बोला, एक पुत्र चला गया तो फिर दूसरा पुत्र आया और बोला, भाई साहब प्रणाम, क्या छोटे भाई को कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मैं बहुत भूखा हूं। व्यापारी उनकी बातें सुन करके सोचा कि ये मुझे अपना बड़ा भाई मान रहा है, तो छोटे भाई के लिए हमें कुछ करना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे पुत्र को थोड़ी सी मिठाइयां दे दी। तभी दूसरा पुत्र
व्यापारी के पास पहुंचा और वह बोला कि श्रीमान, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। व्यापारी ने सोचा कि ये बहुत विनम्रता से मुझे अपने पिता के समान मान रहा है, समझ रहा है, तो मैं इसे खाने के लिए कुछ दे देता हूँ, इसके मन में मेरे लिए प्रेम और आदर है। तो व्यापारी ने दूसरे पुत्र से कुछ ज्यादा मिठाइयाँ तीसरे पुत्र को दे दी। इसके बाद चौथा पुत्र व्यापारी के पास गया और उसने कहा कि प्रिय मित्र, इस संकट के समय अब तुम ही मेरा सहारा हो, क्या तुम मुझे भूखा रखोगे? व्यापारी ने सोचा, मित्रों के लिए तो लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर देते, उसने मुझे मित्र कहा। संकट की इस घड़ी, घड़ी का अर्थ होता है समय, संकट यानी कि मुसीबत के घड़ी में इसकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। यह सोचकर वह बोला, मित्र यह गाड़ी तुम अपना ही समझो, बताओ कि इसमें जो जितने सारे फल लदे हुए है उसको मैं कहाँ उतार दूं? अगर तुम मेरे मैं तुम्हारे किसी सहायता मैंने सहायता कर सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। व्यापारी गाड़ी लेकर पिता के निकट पहुंचा, वहां पिता के सभी पुत्र खड़े थे। पिता ने कहा, मीठी वाणी का क्या होती है, तुम सब समझ गए ना, मीठी वाणी से ही हम ही नहीं दूसरों का जीवन भी हम सुखद बना सकते हैं। तो अब इस कहानी से क्या सीखे, इस कहानी से आपको शिक्षा मिली कि आपको हमेशा मीठे वचन यानी कि मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए। तो इस पाठ को आप घर पर भी पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी, बहुत अच्छा। यहाँ पर आप देखिए, ये बैलगाड़ी है और आपको बैलगाड़ी ही आज बनाना है, बैल बनाना है और बैलगाड़ी भी बनाना है, समझे? इसी तरह से तस्वीर आपको बनाना है, इसको मैं खींच करके आपको भेजूंगी और इस कहानी को भी अच्छे से पढ़ करके समझना है। कभी कभी मैं आपसे कहानी पूछ सकती हूँ वीडियो पे, गृह कार्य में। तो इसी के साथ आज आपका पाठ 14 समाप्त होता है, फिर मैं आपसे अगले क्लासेज में मिलती हूँ। धन्यवाद।